सिविल लाइन थाना में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब थाना प्रभारी कक्ष में गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। आनन फानन में पुलिस स्टाफ जब थाना प्रभारी कक्ष में पहुंचा तो देखा थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा लहूलुहान थे और उप निरीक्षक वीआर सिंह बंदूक ताने खड़े हैं। किसी तरह स्टाफ ने घायल थाना प्रभारी को कक्ष से बाहर निकाल अस्पताल पहुँचाया और आरोपी उप निरीक्षक को कक्ष में ही बंद कर दिया था। बताया जा रहा है कि उप निरीक्षक वीआर सिंह सिविल लाइन थाना में पदस्थ हैं। कुछ दिन पहले उन्हें किसी कारण से लाइन हाजिर किया गया था जिसका दोषी वो थाना प्रभारी को मान रहे थे। आज दोपहर आरोपी उप निरीक्षक थाने पहुंचा और थाना प्रभारी को कक्ष में अकेला पाकर उनसे विवाद करने लगा। इसी दौरान उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और कंधे में फायर कर दिया। गोली कंधे में जा धसी। गोली की आवाज सुनकर स्टाफ अंदर पहुंचा और किसी तरह उप निरीक्षक को समझाते हुए घायल टीआई को कक्ष से बाहर निकाला। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। अभी गोली उनके कंधे और हार्ट के बीच में फंसी हुई है। डॉक्टर यहाँ के जो सुपर स्पेशलिटी के हैं राकेश सोनी और प्रियंक शर्मा और यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो सब देख रहे हैं। तो डॉक्टरों को और बुलाने की बात कही गई है। भोपाल से चिरायू के डॉक्टर कनेरे पेंट से और उनकी टीम हेलीकॉप्टर से रवाना हो गई है और जबलपुर से डॉक्टर निमेश वो रवाना हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि 2 घंटे के अंदर जबलपुर वाले डॉक्टर और 4 घंटे के अंदर भोपाल वाले डॉक्टर सब यहाँ जाएंगे। तब तक हितेंद्र शर्मा को स्टेबल रखने में हमारे मिनर्वा अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं और जो सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स यहाँ गए हैं वो कह रहे हैं कि 4-5 घंटे 6 घंटे इनको स्टेबल करने में हमें कोई परेशानी नहीं है और ये डॉक्टर्स आ जाएंगे तो फिर पूरी टीम मिलके और यहाँ आगे का जो इलाज है वो शुरू होगा। अभी बाहर ले जाने के लिए डॉक्टर नहीं कह रहे हैं बल्कि बाहर के डॉक्टरों को यहाँ बुलाया है। तो हेलीकॉप्टर से भी और बाई रोड भी डॉक्टर जबलपुर से भोपाल से यहाँ आ रहे हैं। जिन डॉक्टरों को दिखाने के लिए बाहर ले जाने की आवश्यकता थी उनको रीवा ही बुलाया जा रहा है और बचाने की पूरी कोशिश पूरा जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन राज्य शासन अपने स्तर पर सारे प्रयास कर रहा है कि उनके जान को बचाया जा सके। अभी क्या है घटना के कारणों के बजाय इनको बचाने पर ज़्यादा फोकस है। बाकी क्योंकि अपराधी जो है वो तो अभी कस्टडी में ही है तो कारण वगैरह सब पता चलेंगे। जैसे अपराध तो हुआ ही है लेकिन अभी पहली प्राथमिकता है टीआई हितेंद्र नाथ शर्मा की जान को बचाना। उसके लिए जो भी प्रयास हैं वो सारे किए जा रहे हैं। जैसे कानून व्यवस्था रीवा में किस तरह से चरमरा गई है अब वो क्या परिस्थिति है उसको जनरलाइज करके नहीं देखा जा सकता है। लेकिन आपको मालूम है कि कोई अपराध करता है तो अपराधी को सजा देने में सरकार कोई कसर छोड़ती नहीं। ट्रांसफर को लेकर के कुछ विवाद चल रहा था। विवाद चलते हैं लेकिन इस प्रकार के अपराध थोड़ी किए जाते हैं। विवाद तो बहुत रहते हैं लेकिन इस प्रकार के अपराध को अंजाम देना ये कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति को भी बताती है। आगे वाले समय में पता चलेगा। अभी तो हम सबको ध्यान इनके जीवन को बचाना है। जो घटनाक्रम है उसके आधार पर पूरी इसमें कार्रवाई की जाएगी। अभी इसमें FIR होगी 307 के अंतर्गत वो सारी चीज़ें की जा रही हैं और बाकी जो कार्रवाई हैं सभी चीज़ की जा रही। अभी प्रायोरिटी हमारा है कि TI सिविल लाइन जो अभी एडमिट है उनकी जान बचानी प्रायोरिटी है और जो बाकी कार्रवाई है वो सब उसके साथ चलती है। आरोपी को अपने गिरफ्त में लेने में क्या कुछ हुआ उस वक्त? ये एक पूरा एक पेक्यूलियर एक अलग तरीका का पूरा वो था और क्योंकि जो आरोपी है सब इंस्पेक्टर बी आर सिंह उनके पास पिस्टल भी था उसके पास और वो सारी चीज़ें तो इसलिए थोड़ा सा समझाइश उसके साथ ही किया गया और उसके उपरांत फिर कस्टडी में लिया गया। हाँ सरकारी पिस्टल। वजह अब सारी चीज़ें पूछा जाएगा
पता किया जाएगा, उसके आधार पर पता चलेगा। अभी 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 जो पता चला है कि कुछ ना कुछ विवाद हुआ है और जिसकी वजह से फिर ये घटनाक्रम हुआ है। जनता का पुलिस के ऊपर भरोसा उठ गया है, क्या कहेंगे आप? दो पिस्टल बरामद हुए। सर टीआई की स्थिति कैसी? टीआई की स्थिति अभी स्टेबल है, हम डॉक्टर की टीम का वेट कर रहे हैं। एक टीम जबलपुर से आ रही है, ऑन द वे है, और एक टीम भोपाल से जबलपुर लैंड कर गई है, वो भी जबलपुर से स्टार्ट। चार दिन बीतता है, रीवा में गोलीकांड होता रहता है, ये एक अलग तरह का घटनाक्रम है और इसमें उसी प्रकार से इसमें कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह अपराधियों के साथ व्यवहार किया जाता है, जहां पुलिस ही पुलिस के ऊपर गोली चला रही है, ऐसे में सवाल ये है कि पुलिस अपराधियों को कैसे पकड़ेगी? मतलब जनता पुलिस अपना काम करेगी, इसको आप क्या कैसे पुलिस अपना काम करेगी, कोई भी अपराधी हो पुलिस अपना काम करेगी। आरोपी पुलिस कर्मी की मानसिक स्थिति सही नहीं थी, 30% क्या वो मानसिक विकलांगता का कोई प्रमाण पत्र है उनके पास, और उनको इन्वेस्टिगेशन जो है उनके जूनियर के अंडर पे पदस्थ करना, ये भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। ऐसा कोई हमें संज्ञान नहीं आया कि मानसिक विकलांगता या ऐसी कोई चीज़ आप जो बता रहे हैं, और बाकी चीज जो है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट। जिस तरह अपराधियों के साथ व्यवहार किया जाता है, उस तरह का इनके साथ व्यवहार नहीं किया गया, ऐसा क्यों? देखिए, समय समय और जो परिस्थितियां होती हैं उसके आधार पर सही कार्रवाइयां होती हैं, और जो आरोपी है कानून के नजर में वो आरोपी है, उसको इस हिसाब से कार्रवाई इसमें की जाएगी। गिरफ्तार हो जाते हैं, क्या कुछ कानून है? एसआई से आप मिले हैं अभी, को क्या कुछ प्रक्रिया चल रही है? अभी प्राथमिक उसमें कथन बातचीत किया है, और बाकी चीजें जो है विवेचना का पार्ट है, इसलिए बहुत कुछ। क्या बाहर से भी डॉक्टर आ रहे हैं? उनका एक टीम यहाँ पर जो है वहाँ से रवाना किया गया, जबलपुर से एक टीम आ रही है, और एक भोपाल से टीम जबलपुर में लैंड कर गई है, वो भी बाई रोड जबलपुर से आ रही है। अभी कैसी स्थिति है आपकी? अभी स्टेबल है, और डॉक्टर्स यहाँ पे लगातार मेहनत कर रहे हैं, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। चलेगा मामा का प्रक्रिया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।